दीदारंद जीवन फकीर बाबा शाह जीवे पैणा दे जीवन वीर माई तेड़ा बच्चा जीवे ओ दीदारंद जीवन फकीर बाबा शाह जीवे पैणा दे जीवन वीर माई तेड़ा बच्चा जीवे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं दानिश अराई और आप ये देख रहे हैं लॉन्ग मार्च की ट्रांसमिशन। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च के हवाले से ट्रांसमिशन जो है वो जारी है पिछले कई दिनों से, और आपको मुस्तकिल आगाह किया जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट, किस सूबे और किस डिवीजन में जो है क्या पोजीशंस है लॉन्ग मार्च की, और क्या पोजीशन की तैयारियाँ हैं, पीपल्स पार्टी की तैयारियाँ लॉन्ग मार्च के हवाले से, और अपोजिशन के अदम एतमाद के हवाले से बात होती रहेगी। आपसे मुस्तकिल बताते रहेंगे। हमारे साथ दीगर नुमाइंदगान भी शामिल थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेंबर सिंध असेंबली इमदाद पिताफी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर क्या पोजीशन है लॉन्ग मार्च की, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और आम आदमी में जो हमने जोश जज्बा देखा है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लोग बहुत ही इस हुकूमत से तंग आए हुए हैं, बहुत इस हुकूमत के लोग खिलाफ हैं, क्योंकि इसने बात की थी शुरू किया का नबूद वैया का रस्तहीन, इसने बात की थी रियासत मदीना, और जब और फिर ये हजरत उमर की मिसाल दिया करता था कि हमारे पास एक चादर क्यों है और खलीफा वक्त के पास दो चादरें क्यों है। जब तोशा खाने का इससे पूछा गया तो फिर ये कहता है कि दोस्त नाराज हो जाएंगे मगर मुल्कों के नाम लेंगे। भाई मुल्कों के नाम हम नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आया और किस रेट में आपने या किसी ने चीजें खरीद की। तो इनसे सवाल पूछते हैं कि भाई जवाब दो, उस वक्त ये काफर बन जाते हैं, उस वक्त ये मुशरिक बन जाते हैं। हाँ, दूसरों से सवाल करने के लिए तो ये बड़ी बड़ी मिसालें दिया करता था कि मैं तो 5000 लोग जमा होते मैं सिवा दे देता। तो भाई इनके खिलाफ जो इनने बातें की हैं, लोगों को नफरत है और लोग बड़ी अजियत में मुब्तला है। आप देखेंगे कि 27 को आवाम का समंदर होगा और इंशाल्लाह ताला हमारी रैली शुरू होते ही ये पाकिस्तान का गोरबचोक मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। जी बिल्कुल सर, गुरबत और मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। बात की जाए लॉन्ग मार्च का जो है वो टारगेट दे दिया गया है 10 दिन में 34 सिटीज से जो है लोग निकल रहे हैं। सिंध के हवाले से बात की जाए तो क्या रुझान है सिंध में, कितनी आवाम निकल रही है, क्या जोशो जज्बा है आप लोगों का? मैंने आपको पहले ही बताया ना कि लोगों का समंदर होगा इंशाल्लाह, बहुत जज्बा है आम लोगों में। कारकुन तो वैसे ही पीपल्स पार्टी के हमेशा तैयार होते हैं, पर आवाम भी इस वक्त इस लॉन्ग मार्च को आवाम की बेपनाह सपोर्ट है और अल्लाह की मेहरबानी से जी इंशाल्लाह ताला हम इसको इस मुल्क से निकाल के बाहर फेंक देंगे। जी बिल्कुल सर, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिवीजन आप जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, जो आपका ताल्लुका है, वो किस टाइम पे जो है लॉन्ग मार्च को जो है ज्वाइन कर रहा है, किस डेट को? और हमें जो पार्टी का हुक्म मिला है इंशाल्लाह ताला हम अपने काफले के साथ जी 28 तारीख को हैदराबाद में चेयरमैन साहब की रैली का इस्तकबाल करेंगे और बहुत जोश खुरेश है। और हमने इन दिनों में बहुत मेहनत भी की है यूसी लेवल तक गांव-गांव जाकर, तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैंने कहा ना पहले कि पूरे मुल्क में पूरी पार्टी और आवाम सब साथ है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। जी बिल्कुल सर, बात की जाए सिंध से तो आवाम का है मतलब गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट रखती है, गवर्न कर रही है। पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पीटीआई की हुकूमत है,
तो दूसरी जो जमातें हैं पंजाब में, उनके साथ आपके रवाबित मामला तय पा चुके हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, कि वो भी ज्वाइन कर रहे हैं या वो आप लोगों को सपोर्ट के लिए निकलेंगे? मेरे मुझे उम्मीद है कि न के वो जो पार्टी पीडीएम में है वो और पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी के जियाले, क्योंकि देखिए इस गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि कोई तबका खुश है ना। चलो आप मुझे बता दें कि चलो कि सनअतकार खुश है, जमींदार खुश है जी, या दुकानदार खुश है, या नौकरी पेशा। आप मुझे इस मुल्क के किसी भी तबके के लोगों के लिए कहा जाए ना, फर्ज करे कि यार चलो फला तबका जो है उसको कोई फायदा नहीं हुआ, फला को हुआ जी। ये तो सारे लोग हैं ना, जिस मुल्क में 160-170 रुपए पेट्रोल हो जाए जी, तो आप सोच सकते हैं कि फर्ज करो ये तो ये आजकल देते फिर रहे हैं चीनी चोर आटा चोर, कोई कहता है 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाओ, कोई कहता है कि नौजवानी चीनी के इस्तेमाल ना करें साथ करें, कोई कहता है कि यहाँ पे पेट्रोल पंपों सारी यहाँ पे पेट्रोल लोकल निकल मिलता नहीं है जी। तो भाई क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में लोकल पेट्रोल था, क्या किसी और की हुकूमत में लोकल? इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है ना जी, इसकी एक एक दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, पेट्रोल बढ़ता था जी। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है, लाइट के दिनों पे चलाया करता था और वहाँ पे खड़े होके कहता था सिविल नाफरमानी। आपको पता है कि सिविल नाफरमानी होती क्या? मैं तो कहता हूँ पार्टी कारकुन, अगर जिस दिन इसने सिविल नाफरमानी की बात की थी तो इसके खिलाफ आईन के आर्टिकल 6 लगा के इस पे केस चलाया जाता जी। ये स्टेट के खिलाफ बात थी, ये हुकूमत के खिलाफ बात नहीं थी जी, कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, और 1 रुपया डॉलर बढ़ जाए तो वजीर आजम चोर, 1 रुपया चीनी बढ़ जाए तो वजीर आजम चोर, 1 रुपया कोई चीज बढ़ जाए तो फला चोर। तो भाई अब तो 12-12 रुपए एक दिन में कटता है जी, 5-5 रुपए यूनिट, 5-5 रुपए महंगा होता है जी। अब सुबह अगर आप चीनी ले तो 80 रुपए किलो और शाम को भी 300-210 रुपए किलो, ये किसी दुनिया में होता है? अब ये कह रहा है कि इंडिया में इतने का लीटर है, बिला बिला जगह पे इनको शर्म नहीं आती? अपने दौर में ये क्या कहा करते थे जी। तो ये नाकाम हो चुके हैं, इन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं तो ये मुल्क डूबो रहे हैं। हम सबसे पहले मुल्क बचाने के लिए निकले हैं, हम मुल्क बचाएंगे, क्योंकि हमारे बड़ों की कुर्बानियां हैं पीपुल्स पार्टी का इस मुल्क को बचाने में, इस मुल्क को बढ़ाने में खून शामिल है जी, जुल्फिकार भुट्टो से लेके बेनजीर भुट्टो तक जी, बिल्कुल खून शामिल है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के कारकुनों का, इस मुल्क की आवाम का। तो इस मुल्क को, ये मुल्क ऐसे नहीं बना, ये जिस तरह कहते हैं ना कि ये मुल्क बहुत कुर्बानी से बना है, इसको हम किसी पागल के हवाले नहीं कर सकते जी, किसी माहिर के हवाले नहीं कर सकते, किसी नाकाम के हवाले नहीं कर सकते, किसी ऐलानात खान के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुल्क हमें अपनी जिंदगियों से ज्यादा अजीज है और हमें ये मुल्क अपनी जिंदगियों से ज्यादा अजीज रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि इस मुल्क में हमारा खून पसीना लगा हुआ है जी। और इंशाल्लाह ताला ये भागने की तैयारी में है और ये भागेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, भागने की बात की जाए तो आज जो है वो दौरे पे रशिया के, और रशिया पहुंचते ही जो है रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, इस पे क्या आपके तासरात है, क्या आप जो है कमेंट करेंगे? यार जिस बंदे ने सियासत शुरू की, सुनामी आएगा सुनामी आएगा, सुनामी कोई अच्छी चीज नहीं थी जी, सुनामी ने मुल्कों के मुल्क तबाह कर दिए थे, हजारों लोग मरे थे, जिसका स्लोगन ही तबाही हो जी, तो वो जहां कदम रखेगा वहां तबाही होगी जी। यूक्रेन और उसकी उस वक्त जंग नहीं हुई जब तक ये हमारा खान वहां नहीं पहुंचा, खान की बरकत तो जा जाती है, वह सब चीजें तहस नहस हो जाता है जी। बिल्कुल, जो बंदा अब चलो ये बात पर्सनल हो जाएगी जी,
जी सर बिल्कुल, लॉन्ग मार्च पे ही बात करते हैं, टॉपिक से हट रहे थे। लॉन्ग मार्च जो है वो उसकी जो तैयारियां हैं वो आपकी तो आपकी तरफ से तो फाइनल है 27 के लिए, जो क्योंकि सफर लंबा है, फिर आगे वहां पे स्टे करने का भी अगर इन केस जरूरत पड़ती है 10 दिन की मुसाफत के बाद इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो इंतजाम आपको लगता है कि आपकी तरफ से पूरे हैं, सिंध गवर्नमेंट की सिंध के जो नुमाइंदगान है उनकी तरफ से कम्प्लीट? यार जितना भी ह्यूमनली पॉसिबल है जी वो हमने किया है, पर इतने बड़े रैली में, इतने बड़े ट्रैवलिंग में बहुत सी चीजें होती है, वो इशू नहीं है। बाकी जितना पार्टी कर सकती थी पार्टी ने किया है कि जो लोग हमारे साथ हैं उनको तकलीफ बिल्कुल ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चेयरमैन उन जहां भी रुकेगा वो कारकुन भी वही रुकेंगे, चेयरमैन साहब भी वही रुकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि खान साहब की तरह के वो कारकुन बैठे होते थे जी डी चौक पे और ये बनीगाला में पार्टियां कर रहा होता था जी, पाउडर कर रहा होता था। हमारा चेयरमैन वही रहेगा जहाँ हमारा कारकुन रहेगा, ये है पीपुल्स पार्टी जी। इसलिए तो हम कहते हैं कि पीपुल्स पार्टी लोगों ने हमेशा कारकुनों को कुर्बान किया जी, पीपुल्स पार्टी ने अपने लीडरों को कुर्बान किया बिल्कुल, और ये पीपुल्स पार्टी की मिसाल है। ये नहीं है कि हम कारकुनों को आगे कर दें कि भाई चढ़ जा सूली पे, नहीं, हमारे लीडर चढ़े हैं, हमारे लीडरों ने गोलियां खाई है, हमारे लीडरों ने बम खाए हैं। फिर भी आपने देखा था जब 18 अक्टूबर को शहीद बीबी आई थी जी, जी। अगर आपके पास वो क्लब है तो लोग फायरिंग सुन के भागते हैं जी, पर हमारे जियाले बम धमाकों में ट्रक की तरफ भाग रहे थे कि हमारे लीडर को कुछ ना हो जाए जी। ये वो पार्टी है बिल्कुल सर, पार्टी ने बहुत सी खिदमत की इस मुल्क की, वो आइन हो, वो एटम बम हो, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, वो सफारती सतह पे जी, पीपुल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान आगे बढ़ाए जी। जो पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो साहब को मिला था तो तारीख है कि इस मुल्क के हुक्मरान मुल्क को छोड़ के भागे थे जी। और मेरे लीडर ने कहा था कि मैं इस मुल्क को कि आवाम को लोहा बनाऊंगा, और उसने बना के दिखाया, उसने एटम बम बना के दिखाया, उसने खिदमत करके दिखाई, और आज तक इतनी मार्शलों को फेस करते हुए भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, इतने जुल्म बर्दाश्त करते हुए भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी स्टैंड कर रही है, और इंशाल्लाह ताला वो करती रहेगी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। सर शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने का, आपकी राय से लोगों को आगाही मिली, हमें भी पता चला कि आपकी पोजीशन क्या है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, किस तरह निकलेंगे, किस डेट को मिलेंगे चेयरमैन के कारवान को। थैंक यू सर वेरी मच आपका जो आपने टाइम दिया। बात करें लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो डिसाइडेड है, 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च निकल रहा है। उसके साथ साथ जो है अदम एतमाद की बात भी हो रही है, और अदम एतमाद के हवाले से बात करें तो हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजिया कार हैं हमारे साथ वकार सती साहब, वेलकम टू द शो। सर सर लॉन्ग मार्च पे बात करें, लॉन्ग मार्च आपको क्या लगता है, क्या अचीव करेगा, क्या क्या टारगेट्स ले रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए लॉन्ग मार्चेस का ऐलान बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी जमातें करती रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की ये तारीख है कि ये एक्सट्रीम लेवल पे बगैर किसी होमवर्क के और बगैर किसी तैयारी के नहीं जाती। ये दूसरा या तीसरा लॉन्ग मार्च है पीपल्स पार्टी की पूरी जो तारीख है उस पर, और मैं जहां तक देख रहा हूं, मैंने इससे पहले तो नहीं देखा कोई ऐसा पीपल्स पार्टी का, हालांकि 86 वाला जो था उसमें मैं जर्नलिज्म में नहीं था, लेकिन ये प्रेडिक्शन जरूर है कि ये उन सबसे ज्यादा भी होगा और सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल भी होगा। इससे पहले जो पीपल्स पार्टी ने इस तरीके के मार्चेस किए हैं उसका हमेशा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकला है। इवन जब बीबी आई थी उसके बाद भी एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इम्पैक्ट वो पीछे से पड़ना, जो प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था, इस वक्त अभी तक शुरू नहीं हुआ लॉन्ग मार्च। और इस उसके साथ अगर आप देखें जो सियासी गहमा गहमी शुरू होगी है, इसको जरा उससे लिंक करके आप देखें तो आपको उसके जो रिजल्ट है वो नजर आना शुरू हो गया है कि अभी नो कॉन्फिडेंस जो है वो जमा कराने की तारीख का भी नहीं पता चला, लेकिन सिर्फ जो अपोजिशन की और बिलखुस पीपल्स पार्टी जो मनूवरिंग कर रही है उसके जो रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो गए हैं, कि तो आप उसको उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसके रिजल्ट क्या होंगे जी। सर अदम एतमाद पे आपने बात की, अदम एतमाद पे थोड़ा ब्रीफ करेंगे नाज़रीन को कि अभी किस पोजीशन पे खड़ी है, क्योंकि आपके कुछ ट्वीट्स भी देखे गए हैं, आपने नंबर्स के बारे में भी बताया, तो उस हवाले से थोड़ा सा यहाँ भी हमें मतलब आगाही दें। इस वक्त
मरकज में कौमी असम्बली में अपोजिशन का जो वो 10 नंबर वो कम है और उसके अगेंस्ट जो है 24 लोग जो है 16 मुस्लिम लीग नोन को 6 पीपल्स पार्टी को और 2 जो है वो JUI को कमिटमेंट दे चुके हैं हुक्मरान जमात के लोग और किसी भी उसके के वो अगला वो टिकट उनकी जो है वो पार्टी टिकट पे वो लड़ेंगे वो अपनी हिमायत वो दे चुके हैं। ये तो है एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अपोजिशन ने मिलकर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी मामला तय कर लिए हैं। एक जमात आपको मुस्लिम लीग काफ नजर आ रही है जिसके बारे में कभी अमकान यह है कि चौधरी परवेज अलाई को यह कह दिया गया है कि आप हमारे अगले वज़ीर-ए-आला होंगे तो वो जमात पूरी की पूरी हुक्मरान इत्तेहाद को छोड़ के वो बाहर आ जाएगी। अभी वो कुछ दिनों बाद आपको नजर आएगा जो वो बलोचिस्तान की बरसर इकदार पार्टी है बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप कहते हैं उसके साथ भी मामला तय हो रहे हैं। इसी तरीके से MQM जो है वो भी ऑन बोर्ड है तो ये सबको साथ मिलके लेके वो चल रहे हैं और अगर ये अदम एतमाद हो गई तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी अदारों की वो फतह होगी और जो कैलकुलेशन हो रही है आसिफ अली जरदारी को जो लोग जानते हैं मियां नवाज शरीफ को जो लोग जानते हैं या फजल रहमान को जो लोग जानते हैं वो लोग हमेशा कैलकुलेशन करने के बाद ही वो ऐसे मूव्स करते हैं। ये हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ नहीं है, ये बाकायदा होमवर्क हो चुका है। अवाम तंग है और ये अवामी जो एक जो जज्बात है उनकी तर्जुमानी अपोजिशन कर रही है इस वक्त। जी सर, अवामी अवाम की तर्जुमानी कर रही है। आपको लगता है कि अपोजिशन जो है लॉन्ग मार्च एक साथ लेके आ रही है फिर अदम एतमाद भी है, इसमें क्या मतलब कोई पीछे पोशीदा कोई है, कोई प्लानिंग ऐसी कि किसी भी तरीके से जान छुड़वानी है? देखिए प्लानिंग तो बिल्कुल साफ है, अगर बगैर टारगेट के अगर आप कुछ वो तो हवा में तीरी होगा ना जी। अब देखें इससे पहले ये मूव शुरू हुई थी आज से 1.5-2 साल पहले जब ये PDM बनी थी जी, फिर एक साजिश के तहत PDM को तोड़ा गया, फिर थोड़ा बीच में गैप आ गया, अब दोबारा वो सारी वो जमहूरी कुव्वतें जो ये क्लेम करती हैं कि अवाम ने उनको मैंडेट दिया था और उनका मैंडेट चोरी हुआ है वो सारी एक पेज पे इकट्ठी हो गई है। अब एक लॉन्ग मार्च 23 मार्च को भी वो PDM ने जो है वो अनाउंस किया था, आज उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, आज कोई उसको नहीं देख रहा, लोग जो है वो चौकवात लगाए बैठे हैं 27 फरवरी और अब PDM की जो क्यादत है PDM की जो जमात है वो भी 27 फरवरी वाला जो लॉन्ग मार्च है उसकी हमायत वो कर रही है तो जाहिर है इम्पैक्ट तो उसका पड़ेगा ना। आप बताएं जब लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे जी और ये पहला एक लॉन्ग मार्च मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया था, उन्होंने तो आके धरना भी दिया था, इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि भाई हम धरना नहीं देंगे, हम आएंगे और वहीं पे, और मेरी अपनी ये प्रेडिक्शन ये है कि जिस दिन यहाँ लॉन्ग मार्च आएगा 8 या 9 वो मार्च को वहीं पे अनाउंसमेंट होगी कि भाई हम जमा कराने जा रहे हैं, इस तारीख को हमने जमा करानी है। और इतलात ये है कि 86 जो लोग हैं 25% टोटल का वो बनता है 86 लोग जो है वो जमा कराएंगे वो तहरीक अदम एतमाद। और अब वो ये प्लानिंग हो रही है कि वो स्पीकर और जो वो है वज़ीर आज़म वो दोनों वो टारगेट पे है। ऑपोजिशन ये भी तय कर चुकी है कि उन्होंने पंजाब में भी और वो बलोचिस्तान में भी जो है वो अटेम्प्ट करनी है, वहां पे भी वो तब्दीली लाएंगे। इस वक्त जो तवज्जो तलब बात ये है कि मुल्क की जो असल या पुरानी जमहूरी कुव्वतें जो हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ था वो एक पेज पे इकट्ठी हो चुकी है और इस चीज की जो हीट है वो अवाने इक्तदार में बिल्कुल महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल सर, बात अवाने इक्तदार की तो यही मेरा सवाल था कि इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं और इस्लामाबाद का माहौल कैसा है, क्या मतलब कुछ आपको नजर आ रहा है कि कोई परेशानी या अफसरदगी है वहाँ पर? आज से चंद दिन पहले तक तो वहाँ पे बिल्कुल वो इस चीज को कोई बंदा स्मेल नहीं कर रहा था, लोग ये समझ रहे थे कि जाहिर है जो लोग लेकर आए हैं वो उनके साथ हैं और वो ऐसा काम नहीं होने देंगे, लेकिन ये जिस तरीके से मूवमेंट्स हो रही हैं इत्तेहादी जब जैसे जैसे किनारे हो रहे हैं और इत्तेहादी जब जो है वो मेल मुलाकातें कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा जब इन्होंने पता किया तो कल जो बयान अगर वो परवेज खटक साहब का एक छोटा सा क्लिप अगर आपने सुना हो तो वहां से उनके उससे बिल्कुल वाजे हो जाता है कि उनको अब समझ आ गई है भाई ये क्या हो गया। जी देखिए हमें भी पता है कि जब सिर्फ एक ये मैसेज है ना कि ये इनके साथ कोई नहीं है और अगर ये मैसेज आम हो जाए तो आप कल देखेंगे कि क्या होगा। इसी पार्लियामेंट में हमने देखा काफ लीग जब एक दफा बरसर इकदार में आई थी 2002 में, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था, और बड़ी बड़ी पार्टियां इवन के पीपल्स पार्टी एक दफा एक मौका ऐसा भी आया था कि वो सिर्फ 16-17 सीटों पर आ गई थी, तो ये चीजें तो होती रहती है। जी सर, अच्छा सर ये रशिया और यूक्रेन जो है उसकी एक जंग का जो है आज वो हुआ है आगाज,
बात की जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त दौरे पे, इस पे कोई कमेंट आपका, कोई ऐसा कि जो आवाम सुन सके कि क्या तासुरात है? मैं कोई इस तरीके से खारजा पॉलिसी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका एक तरफ खड़े हैं और रशिया एक तरफ खड़ा है जी। और हमने तमाम तर हालात के, वाकयात के और हकाइक के बावजूद अगर रशियन कैंप में गए हैं तो उसके असरात हमारे मुल्क पे, हमारी सियासत पे डेफिनेटली पड़ेंगे और फौरी तौर पर पड़ेंगे जी। बिल्कुल सर। अच्छा, लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च आपने इससे पहले भी पीपल्स पार्टी कर चुकी है, तो लॉन्ग मार्च जो है आपको किस हद तक लग रहा है कि वो कामयाब होगा? क्योंकि अदम एतमाद के अलावा बात करें कि अदम एतमाद अगर ये साइड पे रखते हैं तो लॉन्ग मार्च की क्या किस परसेंट तक वो अपने टारगेट अचीव कर लेगा? देखिए, मैंने पहले भी ये बात की है कि अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ जी, और लॉन्ग मार्च का सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हमने धरना नहीं देना, हम जाएंगे वहां जलसा करेंगे और अपने मुतालबात करके, मुतालबात उनका यह है कि भाई हम आ रहे हैं और ये इस तारीख को हम तरीके अदम एतमाद जमा करवा देंगे, उसके बाद वहां से वो डिस्पर्स हो जाएंगे, वो मुंतशिर हो जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। लॉन्ग मार्च का जो इम्पैक्ट आजकल मुल्की हालात और सियासत के ऊपर जो पड़ा हुआ है, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और अभी जैसे जैसे 27 तारीख तक दिन जो है गुजरते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि इसमें और तेजी आएगी, इसमें और शिद्दत आएगी। ये आसान काम नहीं है कि ये जो हाइब्रिड रजीम है उसके साथ जो इत्तेहादी थे वो खिसक रहे हैं या वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई इतनी मामूली वो बात नहीं है। इसका मतलब है कि चीजें तकरीबन जो है अपने मंतकी अंजाम तक वो पहुंच रही हैं। और मैं ज्यादा तौर पर समझता हूं कि ये वाला जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है और इससे पीपल्स पार्टी का ग्राफ ना सिर्फ वो बढ़ेगा बल्कि वो अपने मकासद 100% हासिल करेगा जी। बिल्कुल सर, ग्राफ की बात की आपने, तो आपको लगता है कि क्योंकि क्लेम किया जाता है दूसरी अपोजिशन जमातों की या हुकूमती अरकान की तरफ पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की हद तक महदूद है, तो इस जो लॉन्ग मार्च है इससे ग्राफ में क्या आप चेंजेस देख रहे हैं कि क्या दूसरे दीगर सूबे में जो है एक कोई बहुत टारगेट अचीव कर लेगी या रिवाइवल का? ये बिल्कुल महसूस नहीं किया जाता। ये जो लोग बात करते हैं वो बुग्ज़े ज़रदारी और बुग्ज़े भुट्टो में बात करते हैं जी। हकायक इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हकायक ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है अपोजिशन लीडर कौन सी पार्टी का है जी। वो आप देख लें। आजाद कश्मीर की जो वो कानून साज असेंबली है उसमें वो किस पार्टी का अपोजिशन लीडर है आप वो देख लें। हालिया आजाद कश्मीर में जो रिजल्ट हुए हैं, जो इलेक्शन हुए हैं, उसका रिजल्ट इतनी कुछ धांधली के बावजूद जो वो क्लेम करते हैं, अगर ये रिजल्ट आया तो आप कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सूबे की पार्टी है? जी आप सिर्फ ये भी देखें कि 2018 के इलेक्शन में तमाम 26 जमातें जो हैं वो एक जगह गठी होकर उन्होंने जीडीए बनाया जी। और उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ी और उसने क्या रिजल्ट दिया? गिलगित बल्तिस्तान में तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद जो इलेक्शन हुआ उस पर क्या वो आया रिजल्ट? आजाद कश्मीर के इलेक्शन में तमाम तर जो है वो हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, तमाम तर हुकूमती ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद क्या रिजल्ट आया? तो ये पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती है और ये जो हमेशा से होती आई है, हम भी मीडिया भी इसका सुरवा रहा है, हम लोग भी करते हैं, हमारा काम है कि जायज जो चीज देखें अब लोगों को बताएं। ये जो लोग बात करते हैं ये उन लोगों का नैरेटिव है जो आसिफ अली जरदारी और जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद से बुग्ज़ रखते हैं, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एक सूबे की वो है, हालांकि उनको हकाई का पता नहीं है। ये कल तक या पीपल्स पार्टी में थे तो यहाँ से गए हैं, नहीं तो आने वाला जो कल है दोबारा पीपल्स पार्टी में होंगे ये लोग जी। बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने का, आपकी कीमती राय थी और आपकी जो है बातें जो है वो कुछ प्रेडिक्शंस भी थी, सब आप नाज़रीन जो है उससे आगाही हुई, उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ, आपसे दोबारा भी रब्ता किएगा। थैंक यू सो मच सर। बात की जाए लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो लॉन्ग मार्च पे जो है डिबेट हो रही है, लॉन्ग मार्च पे जो है पोजिशन भी बताई जा रही है, लॉन्ग मार्च पे नंबर्स एंड फिगर्स भी आ गए हैं, डेट्स एंड टाइमिंग्स भी आ गई कि कौन सा काफिला किस टाइम जो है निकलेगा, किस सूबे से कौन किस तरह जो है काफिले शामिल होंगे, मीरे कारवान के जो मरकजी अफला होगा उसे, ये सब आपको बताते रहेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की और लॉन्ग मार्च की जो डेट्स हैं वो फाइनल हैं, और फाइनल से बात की जाए तो फाइनल स्टेजेस में जो है अदम एतमाद भी पहुंच चुकी है। नंबर्स के जो गेम्स हैं, वकार सती साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि जो है नंबर्स जो है वो अचीव किए कर लिए गए हैं, इसमें जो है फाइनल डिसीजन जो है तब दिया जाएगा जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर डेट्स अनाउंस हो जाएंगी कि क्या किस डेट को क्या अदम एतमाद लाई जा रही है और किसके खिलाफ। बात करें लॉन्ग मार्च में, तो लॉन्ग मार्च में जो है जो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो निकलने वाली है, उसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से फहमीदा बर्चन, पीपीपी की एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप और ये बताएं कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां कैसी हैं और लॉन्ग मार्च को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? थैंक यू सो मच दानिश। देखें, कल भी मैं आपको बता रही थी कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो हैं वो बहुत ही जोश जज्बे से हमारे वर्कर्स कर रहे हैं, ऑफिस बेयर्स कर रहे हैं, हमारी तंजीम के लोग कर रहे हैं और आवाम भी इसकी तैयारी में इसकी तरफ देख रही है, क्योंकि जो जैसे मुआशी हालात आवाम के बने हुए हैं, इस मुल्क के बने हुए हैं, उनकी वजह से आवाम भी इतनी तंग आई हुई है कि बेसिकली ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है या जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, जो अपोजिशन पार्टीज अपने पार्लिमानी और सियासी कार्ड लेके एक्टिव हो गई हैं, इसके पीछे आवाम का प्रेशर है, ये आवामी प्रेशर के ऊपर हो रहा है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि हम किस नजरिए से इसको देखते हैं, एक वफाकी पार्लिमानी जमात के मेंबर होने की हैसियत से और इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सफर कर रहे हैं, जो इस गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट और बेड गवर्नेंस के विक्टम्स हैं, तो ऐसे शहरी होते हुए हम इस लॉन्ग मार्च से और इस अपोजिशन की मूवमेंट से जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो वो अपने कार्ड्स खेलने जा रहे हैं, हमें इससे बहुत उम्मीदें हैं। और ये क्योंकि आवाम की डिमांड पे, देखें बहुत अरसे से लोग जो थे ना वो अपोजिशन पे बरसने लगे थे, वो अपोजिशन पार्टीज से नाराज हो गए थे कि आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है, आप कब हटाएंगे इस कठपुतली को, आवाम की चीखें निकल गई। पेट्रोल $150 $200 के करीब और यहाँ पे आटा चीनी बिजली हर चीज महंगी हो रही है, तो कब क्या सारे गरीब जब मर जाएंगे तब आप कुछ करेंगे। तो लोगों के जहन में ये चीज जाने लगे थे कि शायद ऑपोजिशन जो है वो इसके 5 साल पूरे कराना चाहती है, इसको अवाम की मुश्किलात का अंदाजा नहीं है, तो इस प्रेशर की वजह से ये लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो हमें बहुत उम्मीदें हैं इस लॉन्ग मार्च से भी और पार्लियामेंट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जो मूव करने जा रही है ऑपोजिशन, इन दोनों से। जी आप आवाम के प्रेशर की बात कर रही थी कि आवाम का प्रेशर है, अपोजिशन जमातों पर भी था, वो कैसी क्या रीजंस हैं उसके पीछे के जो प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा था, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स थे आवाम के जो जिसके लिए जो है ये जमातें निकली हैं, अब पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च लेके आ रही है? देखें, आवाम का मसला सबसे बड़ा महंगाई ही है ना, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ें इस डायरेक्टली ये कनेक्टेड है आपकी डेली की खाने पीने की चीज़ों से, आपकी डेली की मूवमेंट से, आपकी इंडस्ट्री से, हर चीज़ से। जब ये पेट्रोल महंगा होगा, जब तेल महंगा होगा, देखिए ये पीपल्स पार्टी के पास जब 2008 से 2013 के दरमियान गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी एक ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था जिसमें पूरी दुनिया के अंदर जो मार्केट थी इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, तेल की कीमतें आसमान को छू रही थी और उस वक्त $150 तक भी बैरल ऑयल मिल रहा था। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने और डोमेस्टिक जो हमारे क्राइसिस थे उससे हटके, उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ दिया था। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस हैं, इसकी वजह से डेली लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आवाम का प्रेशर इसलिए कि जो महंगाई है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, IMF का जो प्लान है, जो IMF का इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और जो बिन अल-अक़वामी ये मालियाती इदारे हैं ये चला रहे हैं पाकिस्तान को, आपका स्टेट बैंक जो है उसकी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया, वही पॉलिसीज वही आपको डिक्टेट करती हैं, जो बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनका तो डायरेक्टली आवाम से राबता नहीं है ना, तो ये गवर्नमेंट जिससे डिक्टेशन लेती है उसे तो आवाम की नब्स का नहीं पता, उनके मसाइल का नहीं पता, वो आपको टैक्सेस लगाने का कह रही है जिस आवाम की आमदन नहीं बढ़ रही। अगर आपने आवाम पे टैक्स लगाना है, किसी भी गवर्नमेंट ने, ये बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने आवाम पे टैक्स लगाना है तो उस वक्त लगाना है जब आपने आवाम का आमदन बढ़ाया, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, उसका इनकम बढ़ जाएगा, उसके बाद आप टैक्स लगा सकते हैं। यहाँ मामला उल्टा हुआ है, जब से ये गवर्नमेंट आई है आवाम की आमदन, उसकी इनकम दिन ब दिन कम हो रही है, बिजनेसेस तबाह हैं, प्राइवेट सेक्टर तबाह है, गवर्नमेंट से इन्होंने इतनी मतलब बहुत छांटी करके लोगों को निकाला है, लोगों का रोजगार जो है वो छिन रहा है, साथ में लोगों के ऊपर हैवी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, तो इसी वजह से आवाम का प्रेशर है। ये फैक्टर्स हैं जो आवाम, जिसकी वजह से आवाम अपोजिशन को प्रेशराइज कर रही है कि आप हमारी जान छुड़ाएं इस गवर्नमेंट से। जी बिल्कुल, आवाम का प्रेशर तो है, बात की जाए आवाम के प्रेशर के अलावा जो है प्रॉब्लम्स जो है वो दूसरी भी बहुत सारी हैं, जैसे वायलेशन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की जाए, तो इस पे आपकी क्या नज़र है, क्या आप कहती हैं कि क्या वायलेशन जो है ये गवर्नमेंट ने की हैं सब?
ये जब हम वायलेशंस और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो क्योंकि मैं एक औरत हूँ, खातून हूँ, तो मैं सबसे पहले खवातीन से स्टार्ट करूँ. बिल्कुल, बिल्कुल. ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, ये और इनकी जो गवर्नमेंट, इनके अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके वजीर साहब, वफाकी वजीर साहब जो हैं, उनको यहाँ पे TLP जैसी मुतशद्दद तंजीमें, तशद्दद पसंद तंजीमें जब रोडों पर आती हैं, जब आपकी स्टेट फोर्स को, पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को मारती है, यरगमाल बनाती हैं, ऐसी तंजीमों के आगे तो ये बिक जाते हैं, उनसे ये मुआहदे करते हैं रातों रात. और जब औरतें, खवातीन जो हैं अपने हकूक के लिए एक दिन, साल में एक दिन जब वो बाहर आती हैं, प्लेकार्ड उठाती हैं, इससे इस गवर्नमेंट को खतरा होता है, इसके वज्रा जो है उस पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं. जब खवातीन का मोटरवे के ऊपर, लाहौर जैसे शहर में रात को मोटरवे के ऊपर जब रेप होता है, सियालकोट मोटरवे के ऊपर, वहाँ पे ये वजीर आजम कहते हैं कि खवातीन का रेप इसलिए होता है क्योंकि ये छोटे कपड़े पहनती हैं, मर्द जो है रोबोट नहीं है, जो मर्दों को खुद जो है ये सबब बनती हैं अपनी ड्रेसिंग और अपनी अपीयरेंस की वजह से कि मर्द जो है इनका रैप करें. ये वजीर आजम के ख्यालात हैं, ये मैं अज्यूम नहीं करूँ कि ये इनके बाकायदा तौर पे कहे गए अल्फाज हैं. और फिर जो उनके DPO साहब हैं वो कहते हैं खातून ने रात को ट्रैवल क्यों किया. और फिर जब आप सियासी मुखालफिन की बात करते हैं, जब आप मीडिया की बात करते हैं, जब आप सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, जो इन पे क्रिटिसाइज करती है, जो इनकी क्रिटिक है, थोड़ा सा भी जो बंदा इनके हुकूमत का मुखालिफ है उस पे तनकीद करता है, मिस गवर्नेंस का, बदमनी का, बेरोजगारी का, महंगाई का इन पे तनकीद करता है, या जो इनकी अपोजिशन पार्टीज के वर्कर्स हैं, इनसे इनकी तनकीद करने वाला बंदा बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो सहाफ़ी हों, सिविल सोसाइटी के मेम्बर्स हों, या XYZ वो कोई भी बंदा हो, वो उसकी कैरेक्टर असेसिनेशन करते हैं, वो उसको रोकने के लिए कानून लाते हैं, ना सिर्फ रोकने के लिए बल्कि ये जो एक था इंसिदादे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो था, जिसको नवाज शरीफ साहब के दौर में हम पे थोपा गया था, बावजूद सिविल सोसाइटी और मीडिया की तरफ से इसकी मुखालिफत की, इन्होंने भी यही सोच के, यही कह के किया था कि उनको भी तनकीद बर्दाश्त नहीं होती थी, तकरीबन एक जैसे लोग हैं ये और वो. तो अब नियाजी साहब ने उसको ऑर्डिनेंस के जरिए रातों रात ड्रैकोनियन बनाने की कोशिश की. वो तो शुक्र है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PFUJ की दरख्वास्त पे उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन किया है, Section 20 को मुअत्तल किया है, वरना ये ऐसे लोग हैं कि आपको या मुझे या XYZ इनका जो भी मुखालिफ या इनका नाकिद है, जो इनकी हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करने वाला बंदा है, इसको डायरेक्टली ये 5 साल के लिए जेल भेजेंगे, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी उसकी जमानत भी नहीं हो सकती. आप इमरान खान के ऊपर तनकीद करेंगे तो आपको जेल भेजा जाएगा और आपकी जमानत भी नहीं हो सकती. ये इतना बड़ा क्राइम इन्होंने इसको बनाया है, इस हुकूमत की तनकीद करना, तो इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन क्या होंगी. जी बिल्कुल, बात ह्यूमन राइट्स की तो आपने कर ली. लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें तो नॉर्दर्न एरियाज जो हैं, बेसिकली आप लॉन्ग भी वहीं से करती हैं, तो GB और इससे क्या जोश व जज्बा है वहाँ की आवाम का? कुछ आपको न्यूज़ तो आ ही रही होंगी कि क्या वहाँ पर किस तरह निकल रहे हैं, किस डेट को निकलेंगे, कब ज्वाइन करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे या किसी और सिटी में ज्वाइन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं चूंकि इस्लामाबाद में रहती हूँ लेकिन तंजीम इसमें कनेक्टेड हूँ. तो अभी रिसेंटली हमारी पार्टी के सदर साहब GB चैप्टर के वो आए हुए थे इस्लामाबाद से, तो उनसे तो हमारी डिस्कशन हुई काफ़ी डिटेल में. GB में बहुत लोग पुरजोश हैं, और आपको पता है वहाँ पे पीपल्स पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल नजरियाती बेस भी है. पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में कमज़ोर हुई लेकिन GB में कमज़ोर नहीं हुई, सबसे ज़्यादा वोट भी लिए और बहुत टफ टाइम भी दिया गवर्नमेंट की फेडरल मशीनरी. कोई अलग बात है कि सीटें नहीं लेने दी गई, लेकिन मैंडेट अवाम ने दिया हमें, वोट अवाम का पड़ा हमें. तो आप देखें पीपल्स पार्टी के जेन्युइन वर्कर्स है, कारकुन है वहाँ पे. और फिर GB भी हमारा अंडर डेवलप्ड एरिया है, बल्कि लेस डेवलप्ड है, मेन स्ट्रीम से बाहर है. तो वहाँ पे लोगों को महंगाई की वजह से, इस कठपुतली के नालायकी की वजह से बहुत मुश्किलात हैं. जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर फीसें ज़्यादा बढ़ गई हैं, और बहुत सारे इशूज़ हैं. जो महंगाई वो डायरेक्टली इस मुल्क में रहने वाला हर बंदे को, कोई और चीज़ अफेक्ट करे ना करे. और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो GB की यूथ का, हमारे यहाँ यूथ बहुत ज़्यादा है GB में, और सारी पढ़ी लिखी है, एजुकेशन का रेशो बहुत ज़्यादा है, और फिर यूथ को जॉब्स नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है. तो वहाँ पे आवाम जोश में है. इंशाल्लाह 5 तारीख को GB की रैली जो है सदर साहब की सरबराही में काफिले में रावलपिंडी पहुँचेगी, और 6 को मेरा ख्याल है रावलपिंडी में वो ज्वाइन करेगी चेयरमैन साहब की रैली को यहाँ पे, और फिर यहाँ से अवामी मार्च को, और यहाँ से जो लॉन्ग मार्च होना है रावलपिंडी से इस्लामाबाद, उसका हिस्सा होगी गिलगित बल्तिस्तान की रैली. जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का तो बताया आपने, बात की जाए इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? गर्मा गर्मी है, क्योंकि अदम एतमाद की भी बात हो रही है, लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, तो क्या ऐवान जो है वो परेशानी है, अफसरदगी उसमें कुछ छाई है, या अभी भी वो बस अपनी हठधर्मी पे खड़े हैं?
काफी हलचल तो है यहाँ पे, मैं क्योंकि मेरा ऑफिस रेड जोन में है, मैं खुद रेड जोन में अक्सर होती हूँ, तो यहाँ पे बहुत हलचल है, बहुत किस्म की कयास आरियां भी हो रही हैं, दोनों कैंपों के अंदर कयास आरियां भी हैं, उम्मीद भी है और मायूसी भी है, दोनों कैंप्स जो हैं अपनी अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। और इस्लामाबाद का जो मौसम अदरवाइज बात करें तो बहुत ही प्लीजेंट है, और जो लॉन्ग मार्च के हमारे शुरका आएंगे वो बहुत इंजॉय करेंगे इस मौसम को, और बाकी जो सियासी मौसम है वो थोड़ा गर्म है, और जब लॉन्ग मार्च वाले आएंगे तो इससे भी ज्यादा गर्म होगा। मीनवाइल फिर अदम एतमाद की तहरीक भी मूव होगी, तब तक तो ये गर्मा गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, फिर मेरा ख्याल है इसको भी इंजॉय करेंगे हमारे शुरका जो है लॉन्ग मार्च के। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च के शुरका आएंगे तो मौसम तो इंजॉय करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम जो है बनिस्बत कराची जो है बहुत ठंडा होगा। और बात की जाए दूसरी दीगर जमातों की, क्योंकि उनका भी वहाँ पे ऑफिस स्टेक है, पंजाब में भी है, इस्लामाबाद में भी है, नून लीग और JUI, आप किस तरह देख रही हैं कि वो लोग इसको, क्योंकि उन्होंने ये तो ऐलान कर दिया है कि हम हर शहर जहाँ से गुजरेगी ये लॉन्ग मार्च गुजरेगा तो वहाँ की जो लोकल तंजीम है वो ज्वाइन करेगी, इस्लामाबाद के बारे में आपकी क्या राय है कि इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो मुस्तकिल जो है इन जमातों के वो आके बैठेंगे या वो सिर्फ आके रिसीव करके चले जाएंगे? देखिए PDM है ना, वो एक तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, और दूसरी PDM की जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम फे है, और PDM पीपल्स पार्टी के साथ अवामी नेशनल पार्टी है। तो अवामी नेशनल पार्टी जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस किया है कि उसका काफिला जो है वो KP से आएगा, इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का हिस्सा होगा। बाकी जो PDM की जमातें हैं वो क्योंकि फजलुर रहमान साहब का पंजाब में नहीं है बेस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नून लीग मेरा ख्याल है कि पंजाब में शहरों में इस्तकबाल करेगी या कुछ चाय पानी पिलाएगी, और फिर जब इस्लामाबाद आएंगे तो आना तो चाहिए उनको, देखें फिर वही बात है कि अपोजिशन जब यूनाइटेड होगी तभी अवाम को इस मसले से निजात मिलेगी, अपोजिशन को एक पेज पे आना होगा। माजी में भी जब अपोजिशन एक पेज पे आई, जब ये साथ इकट्ठे मिल गए तो इन्होंने इसको बहुत ही डराया था, वो भी इस्लामाबाद जैसी जगह से हुकूमत के नंबर ज्यादा होते हुए अपना सेनेटर इलेक्ट करवाना अपोजिशन का एक बहुत बड़ा प्रेशर था और इमरान खान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अगर अब भी अपोजिशन के वर्कर्स, कारकुन, लीडरान और ये सब मिलके एक पेज पे आके इस्लामाबाद में आते हैं, माहौल बनाते हैं, देखिए सड़कों पे भी माहौल बनाना होता है, आवाम को बयानिया देना है, नैरेटिव देना है, आवाम को ये तासुर देना है कि आपकी इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान और हुकूमत का हसूल नहीं है, आपने आवाम को नैरेटिव भी देना है, लीड करना है, जो उनकी सेंटिमेंट्स उनको एडमिनिस्टर भी करना है, आपने उनको तासुर देना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है या ओपोजिशन जो भी मूव करने जा रही है ये अवामी मसाइल की वजह से है, चाहे हम हुकूमत को हटा रहे हैं या अपनी हुकूमत बना रहे हैं या कोई इतिहादी नेशनल गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो भी करें ये अवाम के लिए नैरेटिव आपने सड़क पर माहौल बना के फिर लोगों को मोबिलाइज करके, क्योंकि लोग जो है मासेस जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं इस सिस्टम के और वो बहुत पिसे हुए हैं, रुले हुए हैं, वो बहुत ही लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं, तो उनको इंटीग्रेट करना है इस चीज के अंदर, उनको यकीन दिलाना है कि अपोजिशन जो है ये अवामी इश्यूज के ऊपर कर रही है, तो सियासत में उनके स्टेक्स को बढ़ाने के लिए मेरा ख्याल है, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि अपोजिशन की जो दूसरी पार्टीज हैं उनको जरूर इस्लामाबाद तक इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा होना चाहिए, और मेरा ख्याल है वो आ जाएंगे यहाँ पे। जी इस्लामाबाद की आपने बात की तो इस्लामाबाद में जो है जाहिर है पीपल्स पार्टी भी अपना होल्ड रखती है, वहाँ पर जियाले भी मौजूद होंगे, कारकुनान भी हैं, रहनुमा भी हैं, तो उन्होंने कम्पेन की है इस हवाले से कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को जो है वो गैदर किया जाए, अगर डोर टू डोर कम्पेन हुई है या कन्वेंशन हुए हैं या कोई मीटिंग्स हुई है, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, कुछ ऐसा कुछ जो नॉलेज आपके पास हो? जी जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की तो कैंपेन मोबिलाइजेशन बहुत हुई है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी हो रही है और हुई है, और अभी हमारे पास कुछ दिन है, और लॉन्ग मार्च बेसिकली अवामी मार्च जब से कराची से निकलेगा और मुख्तलिफ शहरों से 34 सिटीज से होता हुआ रावलपिंडी पहुंचेगा, तब तक भी हमारे पास यहाँ की तंजीम के पास अभी मजीद एक हफ्ता है, तो मोबिलाइजेशन बहुत तेजी से हो रही है, कॉर्नर मीटिंग भी हो रही है, UC लेवल पे हो रही है, तहसील लेवल पे हो रही है, डिविजनल लेवल पे हो रही है, सिटी की तंजीमें कर रही है, मीडिया वालों साथ हो रही है, जैसे मैंने आपको कल बताया कल मीडिया का कन्वेंशन था सोशल मीडिया का, और सेक्रेटेरिएट में मैं देखती, आज भी मैंने देखा कि बेनजीर हाउस में हमारे गिलगित बल्तिस्तान का जो पंजाब जोन है PPP चैप्टर, उनकी भी मोबिलाइजेशन मीटिंग थी, तो मोबिलाइजेशन और कैंपेन जो है बहुत तेजी से हो रही है, और उम्मीद तो बहुत है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा होगी। जी बात की जाए लॉन्ग मार्च की तो एक फाइनल सवाल आपसे करेंगे कि क्या देखती हैं लॉन्ग मार्च अपने टारगेट अचीव कर लेगा?
देखिए टारगेट तो मैंने आपको बोला ना, प्राइम टारगेट जो है वो आवाम को मोबिलाइज करना है, ये माहौल, ये तासुर आवाम को, ये कॉन्फिडेंस देना है आवाम और अपोजिशन के दरमियान, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर सीबीएम के तौर पे काम करेगा ये पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है। एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी पाकिस्तान गवर्नेबल नहीं रहा है पोलिटिकली, सोशली, इकनॉमिकली, फाइनेंशियली, जब उस पर मुश्किल वक्त आया है, तो आवाम ने भी और मुकदर इदारों ने भी और सब ने स्टेक होल्डर्स ने, सियासत ने पीपल्स पार्टी की तरफ देखा है। तो पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात होने के नाते अपना फर्ज अदा कर रही है इस नाजुक मोड़ पे जब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए खतरा है। तो इसका प्राइम टारगेट जो है आवाम को, रियासत को और स्टेक होल्डर्स को ये कॉन्फिडेंस देना है कि एक सियासी जमात अभी भी है जो इस मुल्क को गवर्नेबल बना सकती है, जो इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकती है, जो आवाम के मसाइल का, इश्यूज का हल दे सकती है, मुल्क को आगे बढ़ा सकती है इतने बदतरीन हालात में। दूसरा टारगेट जो है इस रिजीम की चेंज, इस रिजीम को चेंज करने का, इस शख्स को हटाने का है, इस हकूमत को, इस नालायक और कठपुतली और सेलेक्टेड और पपिट जो हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है बेसिकली, इसको हटाने का है। अब इसको हटाने का काम जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की अकेले का काम नहीं है, सोलो फ्लाइट नहीं है, क्योंकि हमारी मेजोरिटी नहीं, हकूमत, देखें हकूमत इज हकूमत बिकॉज दे हैव द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, एंड opposition is opposition because they have not the majority in the parliament, but opposition has the chances and has to turn its jo uska jo uski kam majority hai usko majority mein badalne ki koshish mein hai opposition, kyunki ye hukumat jo hai na bhanmati ke kumbhe ko jod ke banayi gayi, iske paas koi aisi majority nahi hai, yahan mukhtalif qisam ki bhand bhand ki part पार्टियों को जोड़ के और इत्तेहादियों को मिला के किसी को कोई लालच हो किसी को कुछ दे के हुकूमत बनाई गई, और बहुत वीक मैंडेट के साथ, सिर्फ 10-12 वोटों का फर्क है ऑपोजिशन उसमें। और अभी सिचुएशन यह है कि पीटीआई जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर से ही डिफेक्शन बहुत ज्यादा आ रही है। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन को दूसरी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से ज्यादा जो सपोर्ट मिलेगा अदम एतमाद की तहरीक में, इस हुकूमत को जो प्राइम टारगेट हटाने में, उसमें पीटीआई के अंदर से, रूलिंग पार्टी के अंदर से जो डिफेक्शन आना है जिसमें सैनेट इलेक्शन के दौरान हुआ था, वो ज्यादा डेंट करेगा। तो ये मेन मकसद ये है कि इस हुकूमत को हटाना है, और मेरा, मुझे यकीन है कि इस लॉन्ग मार्च और इस अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में इस हुकूमत को हटाने में अपोजिशन कामयाब रहेगी। जी बिल्कुल, अपोजिशन कामयाब होगी क्योंकि ये टारगेट लेके निकल रहे हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग हैं। शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने का, अपनी कीमती राय से आगाह करने का। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो लॉन्ग मार्च जो है 27 फरवरी को कन्फर्म है, वो निकलेगा और जो है काफले जो हैं वो अपनी तैयारियों पे हैं, लोग जो है मोबिलाइज हो रहे हैं और गाड़ियों का जो है वो फिगर्स भी दे दिए गए हैं कि कितनी तादाद में जो है गाड़ियां और शामिल होंगी और क्या कितनी तादाद लोग होगी। ये ट्रांसमिशन अभी जारी है, मिलते हैं न्यूज़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च जो है वो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। लॉन्ग मार्च जो है के जो नुमाइंदगान हैं पीपल्स पार्टी के, वो लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी राय दे रहे हैं गाये बगाहे। पूरे पाकिस्तान से जो है लोगों को लिया जा रहा है और उनकी राय ली जा रही है, उनकी उनसे तैयारियों के बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी तैयारी किस पोजिशन पर और किस जगह पर है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से मीडिया कोऑर्डिनेटर है पीपल्स पार्टी के हयात खान अचगई साहब। वेलकम टू द शो सर। क्या तैयारियाँ हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की, कब निकल रहे हैं और क्या जोश व जज्बा है? अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम दानिश भाई, बड़ी मेहरबानी है आपने अपने शो में इनवाइट किया। बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च की तैयारियां जोरों शोर से जारी है, जैसे कि चेयरमैन साहब की हिदायत भी थी कि इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाना है ताकि हुकूमत को डर भेजने में हम आवाम साथ दे सके। तो इसी मामले सिलसिले में हमारे बलूचिस्तान में तैयारियां तेज है, और हमारी चाहे सूबाई क्यादत है, चाहे डिविजनल क्यादत है, चाहे जिले की क्यादत है, सब जगह जेद में लगे हुए बलोचिस्तान समेत बलोचिस्तान के तमाम अजला में मोबिलाइजेशन मुहिम बड़ी तेजी से जा रही है, और आवाम का भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस सिलसिले में। और आवाम खुद हमारे साथ रबते पे है कि हमने भी इस मार्च में जाना है और इस हुकूमत से हम बेजार हो चुके और हम आगे आपके साथ जाना है और इस हुकूमत को घर भेजने में हम आपकी मदद करेंगे। जबकि यहाँ पे बलोचिस्तान में तरकुनान में भी यही जज्बा पाया जा रहा है और उनका भी यही कोशिश है कि हम ज्यादा तादाद में इस मार्च में शिरकत करें। चेयरमैन साहब की कायदत में जो अवामी मार्च हो रहा है और इस नाइल सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ इस फैसलकुन जंग में अपना हिस्सा डाले और इस हुकूमत को घर भेजने में चेयरमैन साहब का साथ दे।
जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब का साथ दें, यही मोटो है, यही आपका जो है लॉन्ग मार्च का रीजन है। बात की जाए लॉन्ग मार्च में खवातीन की तादाद की, बलूचिस्तान जो है एक पसमानदा सूबा है, खवातीन की तादाद क्या है, क्या किस हद तक वो शमूलियत कर रही हैं इस लॉन्ग मार्च के में? जी बिल्कुल दानिश भाई, जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान तो एक कबाइली सूबा भी है, यहाँ पे खवातीन के लिए निकलना ऐसी सियासी एक्टिविटीज में जलसे जुलूस में तो हाजिर हो सकती है, पर इस तरह के मार्च वगैरह में उनके लिए थोड़े मुश्किलात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जालिया, हमारी जो खवातीन है, हमारी माए बहने, वो भी जज्बाती है और उनको वो भी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। जो एक अंदाजे के मुताबिक हमारे पास जो रिपोर्ट है कि बलूचिस्तान से इंशाल्लाह 500 से 1000 के दरमियान खवातीन जो है वो लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद पहुंचकर चेयरमैन साहब के साथ लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे, और जो रास्ते में हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनमें भी खवातीन जो है वो हमारे जुलूस का इस्तकबाल करेंगे और हमारे सिपाही कायदा तो और जितने कारकुनान हैं उनका इस्तकबाल करेंगे। जी बिल्कुल, रूट आपने बता दिया था, तीन रूट जो है वो कुछ अर्सा पहले भी बात हुई इसी सिलसिले में, बलूचिस्तान से जो है तीन रूट बताए गए, तो ये रूट जो है किस तरह ज्वाइन कर रहे हैं कि अमीर कारवां के काफिले को, किस डेट को और किस टाइम पे? चूंकि बलूचिस्तान तो रकबे के लिहाज से पहला हुआ है, तो हमारे जो कारकुनों की आसानी के लिए हम लोगों ने तीन रूट्स बनाए, एक जो हमारे पश्तून बेल्ट के अजला है जिसमें जोब से लेके पशीन तक, ये अजला क्वेटा आएंगे 28 तारीख को, और फिर 28 को 1 तारीख को सुबह हम लोग सकर की जानिब मार्च करेंगे, फिर आगे टिब्बी, बोलान और नसीराबाद के जो अजला है वहाँ के कारकुनान हमारे साथ शामिल होंगे, फिर हम शाम को सकर की तरफ मार्च करेंगे, जबकि खुददार और ये बलोच बेल्ट की जो हमारे साउथ एरिया है वहाँ से खुददार है, लतबेला है, वहाँ से खारान है, चाही है, नौशकी है, पंजगूर है, वाशुक है, तुरबत है, बाकी जितने इस तरफ के डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट खुददार के जरिए वो आएंगे, खुददार से होते हुए वो नसीराबाद पहुंचेंगे, नसीराबाद में फिर वो क्वेटा से जो मरकजी का अपना जा रहा है उसमें शामिल होंगे, और नसीराबाद के जो हमारे नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर और बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट है जलमक्सी वो हमारे साथ नसीराबाद में शामिल होंगे, और वहां से हम बलूचिस्तान का एक बड़ा काफिला जो कि सूबाई सदर और सूबाई कायदीन, जनरल सेक्रेटरी इतलात और जितने भी हमारे कायदीन है उनकी सरबराही में सकर की तरफ रवाना होगा, और वो शाम को सकर पहुंच के चेयरमैन साहब के बड़े काफिले जो कि खैरपुर से सकर पहुंचेगी उसमें शामिल होंगे और जलसायाम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बताया कि आपके रूट्स और के कौन लीड कर रहा है सब आपने बताया, बात की जाए बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान के ऐसे क्या मसाइल हैं कि जो आवाम आपके साथ लॉन्ग मार्च के लिए निकल रही है? बलूचिस्तान तो मसाइलिस्तान ही बना हुआ है, ऐसे कोई मसला ही नहीं है जो बलूचिस्तान में ना हो। बलूचिस्तान में बेरोजगारी भी इंतहा पे, बलूचिस्तान में गुर्बत भी इंतहा पे, बलूचिस्तान में मुलाजमीन के मसाइल भी इंतहा पर है, बलूचिस्तान में नौजवानों के मसाइल, डॉक्टर के आए रोज हमारे क्वेटा के रोडों पे डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे, स्टूडेंट्स कर रहे, हमारे खवातीन माए बहने एहतजाजों पर है बलूचिस्तान में, इसी तरह जो आपके कल एहतजाज हो रहा था या के जो लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन है वो कल एहतजाज पे थे, म्यूनसिपालिटी के मुलाजमीन एहतजाज पे थे, यहाँ पे हर तबका एहतजाज पे, यहाँ तक के ताजिर और या वकला, यहाँ पे जितने भी हमारे वो है मुलाजमीन है या जिस शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले है वो एहतजाज पे, और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 साल से ऐसा दिन हम लोगों ने नहीं देखा है कि बलूचिस्तान के जो वो है सीएम सेक्रेटरी के सामने एहतजाज ना हो या ये रोड बंद ना हो जिसकी वजह से कोयटा की सारी ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है, आए रोज यहाँ पे एहतजाज हो रहे, तो यहाँ पे एक मसला नहीं है, यहाँ पे पीने के पानी का भी मसला है, यहाँ पे जो है आपके सेहत का भी मसला है, यहाँ पे आपके रोजगार, तालीम और आपके उसके मुलाजमीन के तनख्वाहों का भी मसला है, यहाँ पे उनके अपग्रेडेशन का भी मसला है, तो यही मसाइल की वजह से बलूचिस्तान जो है मैंने आपको पहले बताया था कि मसाइलिस्तान बना हुआ है आजकल। जी बिल्कुल, मसाइलिस्तान बना हुआ, मसाइलिस्तान तो पूरा पाकिस्तान बना हुआ है इस वक्त। बात की जाए वफाकी काबीना के जो मेंबर हैं, जो अरकान हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी सब सेट है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपोजिशन जो है वो बहाना कर रही है निकलने का, और कोई वजह नहीं है, आपको क्या लगता है क्या इनकी बात में कितने किस हद तक जो है सच्चाई है? ये सब ठीक करा, ये लोग 3.5 साल से अलाप रहे लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ पे बलूचिस्तान से इनके जो डिप्टी स्पीकर बने हुए हैं वो जो स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए हैं, मैं अपने क्वेटा सिटी की बात करा रहा हूँ, क्वेटा सिटी से वो जो है MNA सेलेक्ट हुए, इलेक्ट नहीं हुए, वो यहाँ से MNA सेलेक्ट हुए, उसके वोटों पे उन्होंने
पैर के अंगूठे भी लगे थे, जो नादरा ने साबित किए कहीं पे पैर के अंगूठे लगे, स्टे ऑर्डर पे बैठा हुआ है। उसके हल्के में इतने मसाइल है कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल और इस बेटा चिट्ठी के मसाइल एक तरफ। इसी तरह जब आपके बाकी सूबों में देखो, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे इनका 8 साल से, ये तो सिंध हुकूमत पे तंकीद करते हैं कि सिंध हुकूमत 10 साल से, 10 साल से सिंध हुकूमत अगर 10 साल से तो उन्होंने सेहत का अच्छा निज़ाम दिया है, उन्होंने रोजगार का अच्छा निज़ाम दिया है, उन्होंने मुलाजमीन के तनख्वाहों में 25% तक इजाफा किया है, उन्होंने बेरोजगारी अलाउंस दिया है, उन्होंने तालीम के हवाले से काम किया है, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के हवाले से काम किया है। ये लोग 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में है, ये कोई हमें ऐसे मिसाली काम दिखा दे, चाहे सेहत के हवाले से, चाहे तालीम के हवाले से, चाहे रोजगार के हवाले से, कि हम बोले कि वाकई ये लोगों ने काम किया है। इन्होंने सेहत जाली सेहत कार्ड जारी किया, जिसमें तो सेहत कार्ड उन्होंने दे दिया, लेकिन अस्पतालों में वही सेहत कार्ड जब लोग ले जाते वो उनको बोलते हैं कि हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं, मतलब एक ड्रामा इन्होंने किया। इसी तरह जब आपके जितने भी केपीके के टेंडर थे, के जितने भी प्रोजेक्ट्स है, वो इनके मनपसंद लोग ले जा रहे, उसमें अपने परसेंट उठा रहे, काम कुछ हो नहीं रहा है। पंजाब में आ जाए बुजदार, अभी जो रिसेंट आज कल परसों में ये चीज हुआ था कि बुजदार ने 80 अरब रुपए के ठेके अपने रिश्तेदारों को दिए हुए, जो टेंडर है 80 अरब रुपए के टेंडर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिए। लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें, बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च जो है, क्या जोश जज्बा है बलूचिस्तान में नौजवानों का? बलूचिस्तान में नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब हमारे साथ माशाल्लाह से। आज हम लोग मोबिलाइजेशन कैंप का इफ्तिताह कर रहे थे, वहाँ पे बच्चे भी आए हुए थे, बुजुर्ग भी आए हुए थे, नौजवान भी आए हुए थे, और यहाँ पे हमारे कैंप में अक्सर लोग आके इंदराज भी करवाते हैं कि हम भी साथ जाएंगे, अपने मदद आपके साथ तहत हम आपके साथ जाएंगे, इस्लामाबाद हम आपके साथ पहुंचेंगे। हमारे जियाली बड़े पुरजोश है, वो अपने चेयरमैन के काल पे लबैक कहते हुए जाएंगे इस्लामाबाद। इसी तरह जितने भी यहाँ के आवाम जो मसाइल में गिरे हुए आवाम है, जो इस हुकूमत से तंग है, उनका यही कहना है कि इस लॉन्ग मार्च में हम आपके साथ हैं और उस हुकूमत को घर भेजने में हम साथ देंगे, और हम अभी इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, हुकूमत को बर्दाश्त करने का तो बनता भी नहीं है, क्योंकि जो महंगाई हो चुकी है इस पे अगर अब भी खामोश रहा गया तो फिर बहुत देर हो चुकेगी। आपका शुक्रिया हया साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, अपनी राय से बलूचिस्तान के हालात के बारे में बताया, और बताया कि बलूचिस्तान में क्या पोजीशन है। जियालों की बात की जाए, जियालों की तो जियाले जो है वो निकल चुके हैं अपनी पार्टी के नाम पे, अपनी हुकूमत के इस हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के नारे पे निकले हैं, और नारा जो है उनका बिल्कुल वाजह है, वो अवाम के लिए निकले हैं। अवाम जो है वो भी पीपल्स पार्टी के साथ है, अवाम के साथ साथ दीगर सियासी जमातें भी शामिल हो चुकी हैं। देखा जाए तो पीडीएम के हवाले से भी जो है चीज़ें सामने आ रही हैं कि पीडीएम जो है वो जिस जिस सिटी से जो गुजरेगा ये मीर कारवां का काफिला, तो उससे जो है वहाँ पर लोकल तंजीम जो है वो ज्वाइन करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, और उसके बाद जो है इस्लामाबाद के लिए लाया अमल वो तैयार किया जा रहा है। अदम एतमाद के हवाले से जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नंबर्स की बात की गई कि नंबर्स जो है ऑलमोस्ट पूरे, वकार सती साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जी अचीव कर लिए हैं नंबर, और ये फाइनल जो पोजीशन है वो बताई जाएगी जब आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। इससे पहले जो है क्योंकि नंबर्स नहीं होते तो कोई जो है हवा में तीर नहीं चलाया जाता, और जरदारी साहब को जो टारगेट दिया गया है वो इसमें माहिर हैं इस टारगेट को पूरा करने की, क्योंकि सियासत में उनकी बहुत बड़ी गिरफ्त है और वो इस गिरफ्त में अबूर रखते हैं। बात की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं वो भी परेशान हैं, और परेशानी जो है वो नज़र भी आ रही है, नज़र आ रही है इस तरीके से कि कानून लाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे एक्ट, और पाबंदी मीडिया पे लगाई जा रही है, और ये सब चीज़ें जो है बुखलाहट में की जाती हैं। आप ये जो बुखलाहट है वो साफ नज़र आ रही है, और बात इमरान खान साहब की जाए तो वो रशिया गए हुए हैं, और रशिया पहुँचते ही जो है वहाँ पर जंग शुरू हो चुकी है। लॉन्ग मार्च के हवाले से बताएं तो आपको, तो लॉन्ग मार्च जो है वो 27 फरवरी को निकलेगा, 27 फरवरी जो है वो फाइनल डेट है। कराची से भी हमारे नुमाइंदगान, पूरे पाकिस्तान से बल्कि हमारे जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान हैं, उन्होंने आके बताया कि उनकी तैयारी किस स्टेजेस पे खड़ी है, क्या उनके नंबर्स हैं, क्या वो उन्होंने मोबिलाइजेशन के लिए क्या क्या जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चीज़ें रखी हैं, क्या उनके नंबर्स होंगे गाड़ियों के, और किस किस चीज़ों के साथ जो है वो निकलेंगे, क्या उन्होंने प्रिपेयर किया है अपने आवाम को कि कितने दिन का सफ़र है, मुसाफत के हवाले से भी बताया, अपने दीगर दूसरी बातों के बारे में भी बताया कि किस तरीके से जो ज्वाइन, कौन सी डेट को ज्वाइन करेगा काफला, और काफला जो है किस वक्त निकलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है क्या जो है मीर कारवां उससे गुजरेंगे, किस टाइम पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन करेगी, ये सब बातें आपको गाये बगाए आगाह करते रहे। बात की जाए इमरान तबाही सरकार की, तो तबाही सरकार जो है उसकी एक रिपोर्ट, उसके बारे में एक
बात की जाती है कि जी वो उनके जो ओवरसीज जो हैं ओवरसीज उन पे बहुत बिलीव करते हैं और ओवरसीज ने जो है बहुत उन पे ट्रस्ट किया है और वो उनके जो नारे थे कंटेनर पे कि वो जी इन्वेस्टमेंट लाएंगे पाकिस्तान में। तो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2017 में जो है FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 3.25 बिलियन डॉलर्स थी, जो अभी 2021 की रिपोर्ट उसके मुताबिक जो है वो 2.91 बिलियन है, मतलब -11.7% जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी डाउन हुई है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो नारा दिया था इमरान खान साहब ने कि उनको दुनिया जो है उन पर तबार करती है, उससे बिल्कुल बरक्स जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं। और रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट तो जो है वो देने जा रही है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के जो झंडे हैं उसके नीचे सब जो है लबैक करके खड़े हो चुके हैं। बात की जाए PDM तो PDM भी तैयार है, PDM भी कह रही है कि हम आपके साथ हैं और हम जो है अदम एतमाद पे आपके साथ होंगे। और अब बात की जाए अपोजिशन की जमातों की, तो उन्होंने अपने टारगेट जो है सेट कर दिए हैं कि किस वक्त किस जगह पर क्या किस टाइम अदम एतमाद लाई जाएगी, पहले वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, देन स्पीकर कौमी असम्बली, फिर उसके बाद पंजाब जो है पंजाब की भी बात की कि पंजाब में भी आ गई। बाकी अपने टॉपिक पर आते हैं, अब लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें तो लॉन्ग मार्च के हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन किया है शहजाद मजीद साहब ने, ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर, क्या तैयारियां हैं कराची में पीपल्स पार्टी के जयालों की, कब लॉन्ग मार्च के लिए क्या जोश व जज्बा है निकल रहे हैं? आज की तैयारियों के हवाले से आप देख सकते हैं कि जो अपोजिशन जमातें हैं खास तौर पर कराची में MQM जो है वो बौखलाहट का शिकार हो चुकी है बहुत ज्यादा, और आप देख रहे हैं कि आज इनके खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कि किस तरह मीडिया पे जो है परचम डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जिला बस्ती से उतारने का जो है वो हुक्म दिया अपने कारकुनों को या उनकी प्लानिंग कर रहे थे, तो ये साबित करता है कि ये बौखलाहट का शिकार हो चुके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी भरपूर अंदाज से जो है वो जारी है, और मजे की बात यह है कि खाली इसमें पीपल्स पार्टी के वर्कर नहीं, जो हमारे शहर के जो अवाम है वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस इमरान खान की इस हुकूमत ने इतने जुल्म कर दिए हैं पब्लिक के ऊपर, इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें और दीगर जो है खुर्दो नोश की जो अशिया हैं उनकी कीमतें आसमानों पर पहुंच चुकी है। ये अवाम बेजार हो चुकी है और उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस प्लेटफॉर्म से, अवाम के प्लेटफॉर्म से 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च कर रही है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये तारीखी लॉन्ग मार्च होगा और इसमें भरपूर अंदाज से पूरे पाकिस्तान से अवाम जो है वो शिरकत करेगी। जी बिल्कुल, अवाम की बात की आपने, दीगर जमातें जो है वो भी कराची में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती हैं, उनसे आपके रवाबित हैं रिगार्डिंग लॉन्ग मार्च? जैसे NP ने ऐलान किया कि वो ज्वाइन करें, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टीज हैं जो कराची से आपके साथ शामिल होंगी? देखें ये जो हमारा लॉन्ग मार्च का हिस्सा है, ये हम इसमें अपनी कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम आवाम की बात कर रहे हैं, और इसमें मैं तो समझता हूँ कि जितने जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं चाहे वो कराची के हों चाहे पाकिस्तान के हों, उनको जो ये हमारा एजेंडा है कि हम जो है महंगाई के खिलाफ और आवाम की आवाज़ बनकर ये लॉन्ग मार्च का जो है हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ सारी पार्टियों को हमारे साथ ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मकसद है वो नेक मकसद है आवाम के लिए, आवाम की अच्छाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे 27 फरवरी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यादत में। और ये लॉन्ग मार्च आप देखना, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह तारीखी लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमें आवाम की सपोर्ट हासिल है इस वक्त, और उसका आपका जीता जागता सबूत ये है कि जिला वस्ती एक दौर में समझा जाता था कि ये एक सियासी जमात का जो है गढ़ है, इधर कोई और तंजीम जो है कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती, आपके कराची के हालात ऐसे रहे, लेकिन आप देखेंगे इस वक्त पूरे कराची शहर में जिस तरह परचम बैनर्स पैनाफ्लेक्स लगे ये जो है काबिले दीद है। जी बिल्कुल काबिले दीद है। बात की जाए कराची की अवाम की, तो मसाइल क्या थे कराची के जो खास जो आपको मालूम हो अवाम के, कि जिसके लिए वो इस लॉन्ग मार्च में आपके साथ शामिल हो रहे हैं? भाई कराची का सबसे पहले बुनियादी मसाइल तो आप देखें महंगाई है, जिस वक्त एक गरीब जो है वो दो वक्त की रोटी नहीं खा सकता क्योंकि उसकी तनख्वाह जो है वो लिमिटेड है और चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं, एक आम बंदा एक गरीब आदमी एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकता इस दौर के अंदर, क्योंकि दवाइयों की कीमतों तक इन्होंने नहीं छोड़ा, दवाइयों की जो कीमत है वो भी आसमानों पर पहुंच चुकी है, तो मतलब कहाँ करें, इन्होंने तो जीना भी महंगा कर दिया और मरना भी महंगा कर दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो इसलिए आवाम जो है वो अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, वो आवाम निकलना चाहती है इस हुकूमत के खिलाफ और इस हुकूमत को मजीद नहीं देखना चाहती। जी बात की जाए तैयारियों की, तो तैयारियां किस स्टेजेस पे, क्योंकि अभी चंद दिन ही बाकी हैं, 2 से 3 दिन हार्डली आपके पास होंगे, तो आपकी तैयारियां किस स्टेजेस में है कि अगर ऐलान किया जाए निकलने का तो आप जो है तैयार हैं?
तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची पूरे पाकिस्तान में आप जाके देख सकते हैं, मुख्तलिफ रोडों पर जाके देखें पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों ने पूरे शहर में जो है वो कैंप्स लगाए हुए, और उस वो जो कैंपों पे आप जाएंगे उधर लोग सैकड़ों की तादाद में हजारों की तादाद में कुछ ऐसे कैंप्स हैं कि जहां लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टी तरानों पर रक्स कर रहे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ और संघ चलने का जो है वो वादा कर रहे हैं कि हम इनके संघ चलेंगे। जी संघ की बात कीजिए। अच्छा जो मोबिलाइज करेंगे क्योंकि ये लंबा सफर है, 10 दिन जो है ट्रेवल करेंगे कराची से निकलेंगे और कराची का जो मौसम है इस वक्त जो है नॉर्मल हो चुका है, इस्लामाबाद जो है ज्यादा ठंडा है, तो इस हवाले से कुछ आप लोगों ने अपनी तैयारियां की हैं मुकम्मल के 10 दिन के सफर को भी और साथ मौसम को भी देखा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं वो लड़ना जानते हैं, वो मौसम को जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि मौसम को जो है वो कोई हैवी लेंगे अपने ऊपर, और वो भरपूर तैयारियों में उन्होंने अपने साथ बैग कंबल्स और दीगर जो है खुश्क खुराक हैं वो ले लिए कि हमें अगर मतलब लड़ना भी होगा तो हम लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, जमहूरी अंदाज में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का खात्मा करेगी। जी जमहूरी अंदाज में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मोबिलाइजेशन की बात की जाए तो आपको तादाद का अंदाजा है कि कराची से कितनी तादाद निकलेगी 27 फरवरी को? स्टार्टिंग पॉइंट जो है कराची है। मैं इंशाल्लाह आपसे ये बात कहूंगा कि कराची से कम 10,000 गाड़ियों का काफिला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा, और ये जिस तरह आगे आगे मुख्तलिफ शहरों से गुजरेगा और इन शहरों से मजीद लोग जो है इस काफिले के साथ जुड़ते रहेंगे और इस्लामाबाद जाके इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फकीदुल मिसाल इंशाल्लाह जो है वो खिताब करेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड थी कि दूसरी सियासी जमात का, जिसका आपने पहले नाम भी लिया, तो अभी क्या रुझान है उस डिस्ट्रिक्ट में जो है पीपल्स पार्टी कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्या रिवाइव हुआ है पीपल्स पार्टी का वोट वहाँ पर? देखिए शोर वो करता है कि जो कमजोर होता है। आज देखिए एनक्यूएम ने किस तरह, एनक्यूएम के जो लीडरान थे उन्होंने किस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्लानिंग की कि जो है पीपल्स पार्टी के परचम जो है जिले बस्ती से उतारे जाएं, वो आपके सबके सामने वो वीडियो वायरल है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ न्यूज पे ट्रिगर चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजिशन में है कि जो मतलब कराची के स्टेक होल्डर है वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लग गए हैं या हमें नीचा दिखाने के लिए अपने जो है असर रसूख इस्तेमाल करने लग गए हैं, और इंशाल्लाह हम इन किसी चीजों से ना पहले डरे, चेयरमैन साहब की हिदायत है कि हर चीज को पॉजिटिव वे पे लेना है, और हम इनके इस जो है जो ये इनकी हरकतें इनका कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अवाम को परचम उतार कर जो है उनके दिलों से नहीं निकाल सकता और पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों में घर करना जानती है। जी बिल्कुल शुक्रिया शहजाद साहब आपका अपने कीमती टाइम देने का, कीमती राय से आगाह करने का, आपसे दोबारा भी रब्ता किया जाएगा जब लॉन्ग मार्च का काफिला नहीं। शुक्रिया आपका सर। बात की जाए लॉन्ग मार्च के हवाले से तो लॉन्ग मार्च के साथ साथ अदम एतमाद भी जो है वो भी जोरों शोर से उसकी तैयारी जारी है। मौलाना फजलुरहमान साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब और सदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, सबकी मुलाकातें हो रही हैं। इनकी मुलाकातों के अलावा हुकूमत के जो इत्तेहादी जमातें उनसे भी मुलाकातें जारी हैं, जैसे देखा जाए काफ लीग से जो है JUI के वफ़ की भी मुलाकात हुई और काफ लीग के वफ़ की बिलावल हाउस लाहौर में जो है सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई और एक दूसरे पर जो है एतमाद का इंडिया दिया कि एक दूसरे पे एतमाद करते हैं। फाइनल स्टेजेस क्या होंगी, किस टाइम पहुंचेंगे इस्लामाबाद, जब पहुंचेंगे उसके बाद जो है एतमाद की बात की गई कि वो बताया जाएगा, और मुतालबात जो है इस्लामाबाद पहुंच के ये भी एक बात है जो बताई गई। बात की जाए मीरे कारवान की तो जो मीरो कारवान है उनका उन्होंने कहा है कि जी इस तब्दीली इस सेलेक्टेड के खिलाफ जो है ज्याला सब दीवार बन के खड़ा है और ज्याला जो है वही निकल रहा है। ज्यालों की बात की जाए तो ज्यालों से हटके आम आवाम भी बहुत ज्यादा है, महंगाई की शरह जो है जनवरी के आप देख लें कि जनवरी का जो है अदारा शुमारियात के मुताबिक 13% थी और पिछले हफ्ते जो है वो 18% जो है लास्ट ईयर के वीक से थी। ये सब चीज़ें हैं। बात की जाए पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पे तो लॉन्ग मार्च जो है वो पीपल्स पार्टी का पूरे पाकिस्तान से गुजरेगा, मुख्तलिफ शहरों को कवर करता हुआ और हर शहर में पहुंच के जो है लोगों को जो है एक गैदरिंग रखी गई है, एक इवेंट रखा गया है, एक जलसा जो है वहाँ किया जाएगा कि ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए और अब साथ ज्वाइन करवाया जाए। इसी सिलसिले में बात की जाए पंजाब से हमारे साथ मौजूद है PYO के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फैसलाबाद अकमान मलिक साहब, वेलकम टू द शो सर। क्या तैयारियाँ हैं फैसलाबाद में जो है जियालों की और कब निकल रहे हैं आप लोग मीरे कारवां के काफिले में? जी थैंक यू सो मच दानिश। अच्छा दानिश ऐसा है कि जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा मजामती सियासत रही है और हमेशा हम सफ़े अव्वल में रहे हैं मजामती सियासत में, तो इस हवाले से अभी जो लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है कराची से लेके इस्लामाबाद तक चारों सूबों में
आपको पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में नजर आएंगे, और इसके अलावा आम आवाम भी, क्योंकि जो बढ़ती हुई महंगाई है, आपने आपके पास खुद सारा इस चीज़ की डिटेल्स मौजूद होती हैं कि पेट्रोल हो चाहे गैस हो बिजली हो, हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं, आवाम का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है इस हुकूमत ने। तो हमेशा की तरह हमने मुजामती सियासत की है, और इसके साथ हमने हर उस हुक्मरान का मुकाबला किया है जिसने आवाम का जो है वो खून चूसा है। तो ये सिलेक्टेड की आपको कोई औकात नहीं है कि ये हमारे आगे खड़ा हो सके। तो इंशाल्लाह आपको पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी, और जगह जगह हम इस्तकबाल के लिए चेयरमैन साहब के साथ शाना फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद जो है वो जीटी रोड से हट के, तो फैसलाबाद का जो कारवां है जो निकलेगा मीरे कारवां को ज्वाइन करने को, क्या डेट्स उन्होंने दिए हैं कि वो किस वक्त निकलेंगे, कब वेलकम करेंगे, किस जगह जाके मिलेंगे? जी ऐसा है कि फैसलाबाद का शेड्यूल में नहीं आया, लेकिन फैसलाबाद की तंजीमें जितनी हैं वो अपने चेयरमैन के इस्तकबाल के लिए साहिवाल से उनके साथ चलेंगी, और साहिवाल से लेकर हम आगे फिर पत्तों की लाहौर गुजरावाला फिर सो ऑन जो भी है आगे चलता रहेगा, और इंशाल्लाह ताला अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हर जगह पे फैसलाबाद के लोग साथ शामिल होंगे, और आम दोस्त भी, आम आवाम जी जो इस महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं। जी आम आवाम की आपने बात की, तो फैसलाबाद की क्या प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि आपको लगता है कि फैसलाबाद की जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम है वो ज्वाइन करेगी इस कॉज को, इसके लॉन्ग मार्च को? जी जैसा कि सब जानते हैं कि फैसलाबाद जो है वो एक इंडस्ट्री के हवाले से मशहूर है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में जी। और जिस तरह के इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं तो इंडस्ट्री वाले भी काफ़ी परेशान हैं, फैसलाबाद में मजदूर तबका बहुत है जी। और सब लोग परेशान हैं इस हवाले से जो है, अब फैसलाबाद बहुत पीछे रह चुका, क्योंकि इंडिया हो या बांग्लादेश हो, आप देखते होंगे कि उन्होंने अपने बिजली के रेट्स कम रखे हुए हैं जी। और जिनकी वजह से उनकी प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, और फैसलाबाद बहुत पीछे रह गया इस चीज़ से। तो इस वजह से आम आवाम बहुत परेशान हैं, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुन ही नहीं, आम आवाम भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस मार्च को, क्योंकि 2008 में भी जब आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तब भी, हालांकि तब आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें ज्यादा थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आवाम पर कम बोझ डाला जी। और अभी फैसलाबाद जो है, फैसलाबाद जो है वो एक ज़रई शहर भी है ज़रात के हवाले से, जो अभी कुछ अर्सा पहले किसान मार्च भी हुआ था यूरिया और डीएपी के लिए, जो प्रॉब्लम्स आए थे कि क्राइसिस आए हुए थे उसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था, तो वो किसान जो है वो इस लॉन्ग मार्च में साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं अब के हम जी, इस मार्च में भी जाएंगे? जी बिल्कुल, उसकी एक रीज़न सॉलिड ये भी है कि देखें पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है ये इस तबके को हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे वो मजदूर हो किसान हो, और अभी आकर इस हकूमत ने हर एक तबके को जो है वो परेशान कर दिया हुआ है जी। और किसान जो है वो टोटली हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं, इवन के हम खुद भी कुछ तंजीमों से मिले हैं किसानों की, जो हमें खुद ये चीज़ कह रहे हैं कि आप निकलें हम आपके साथ देंगे जी, और वो हमारे साथ हैं, हमारी उनसे बात भी चल रही है, इंशाल्लाह वो भी मार्च में हमारे साथ शामिल होंगे। पीवाईओ जो पंजाब है, जाहिर है आप जो है तंजीम के अहदेदार हैं, तो इन दूसरी तंजीमों के दूसरे जिले के अहदेदारों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन की है कि किस तरह आवाम को निकाला जाए, और सिंध के जो अहदेदार हैं उनको साथ कोई आप लोगों ने अटैचमेंट की है कि किस टाइम पे कब सिक्योरिटी के हवाले से या इस कारवान की जो है वो मतलब इंतजाम के हवाले से कोई आप लोगों ने प्लानिंग दे दी है? जी बिल्कुल, हमारे पंजाब के जो सदर हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारी इस मामले में उनसे बात हुई है। जैसे ही चेयरमैन साहब का काफिला सिंध से पंजाब की हदूद में दाखिल होगा जी, हमारी टीम हर तरह से चेयरमैन के साथ खड़ी नजर आएगी, सिक्योरिटी के हवाले से भी, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा टाइम जाएगा सब। अच्छा, चीचा वतनी से जो है सेंट्रल पंजाब जो है वो ज्वाइन कर रहा है, अब चीचा वतनी से फैजाबाद पिंडी तक जो है वो साथ होंगे, क्या तादाद होगी? जगह जगह जो जलसे का ऐलान किया गया, लाहौर में भी जलसा है, चीचा वतनी में भी है, मुल्तान का जलसा भी हुआ है, इन सब में तादाद के हवाले से कोई आपको फिगर्स आप लोगों ने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं कि इतनी आवाम जो है वो होगी वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें दानिश ऐसा है कि एक तो आपकी अपनी पार्टी का कारकुन होता है जी, ठीक है, कोई जलसा हो कोई जलूस हो, जैसे ये मार्च है तो पार्टी के कारकुन
लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि आम आवाम बहुत परेशान हैं। वो अपने लिए इस टाइम जो है वो एक राह तलाश कर रहे हैं, जिसमें उनको उम्मीद सिर्फ जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ही नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि पिछले जो जलसे हुए हैं जी, हाँ वो कहीं भी हुआ हो, मुल्तान में जलसा हुआ, पिशावर में हुआ, वो किसी से डका छुपा नहीं है, बहुत बड़े जलसे थे। और इस दफ़ा भी ये लॉन्ग मार्च के अंदर ये बात आप देखेंगे भी कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो चेयरमैन साहब को इस्तकबाल करने के लिए जगह जगह खड़े होंगे। बात की जाए हुकूमती अरकान की, तो हुकूमती अरकान क्या दीगर अपोजिशन जमातें जो है वो भी ये कहती रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की हद तक महदूद हो चुकी है, पंजाब या केपीके में उसका कोई वोट बैंक नहीं रहा। तो आप क्या कहते हैं, अभी क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड में हैं, कंपेन चला रहे होंगे, जा रहे होंगे, डोर टू डोर आपकी जो है कंपेन है, क्या आपको जो है वहाँ पर तासरात मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है, लोगों की शमूलियत हो रही है? जी, बात यह है दानिश के जिस दिन से हमारे पहले लीडर, हमारे शहीद चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उस दिन से इस ये एक ख्वाब देखते हैं जो एक दीवाने का ख्वाब है कि पीपल्स पार्टी ख़त्म है जी। तो ये उसी चीज़ को लेके बैठते हैं, लेकिन हमेशा हमने देखा है, इन्होंने सबने देखा है, चाहे वो अयूब का माशाल्लाह हो, ज़िया का हो, मुशर्रफ का हो, कोई भी हुकूमत हो, हमने हमेशा उनको टफ टाइम दिया है और अब भी जो है हम भरपूर तरीके से निकलेंगे और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हर सूबे में मौजूद है, हर जगह मौजूद है जी। और अब पीपल्स पार्टी को पहले तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मतलब टॉपिक चला जाएगा, लेकिन जहां तक की बात है कि 2000 अगर आप देखें 13 में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त ही नहीं थी जी, और इससे बड़ी धांधली भी कोई नहीं है, तो कोई कैसे कह सकता है कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है जी, दूसरे सूबे में नहीं है। तो 2018 में भी जब से चेयरमैन साहब ने ज्वाइन किया है, आपको पहले दिन से ये वाहिद हमारी पार्टी थी जिसने चेयरमैन साहब ने पहले दिन बोल दिया था कि ये सिलेक्टेड हैं जी, और उस दिन से लेके आज तक जो है वो एक मुजामती सियासत जारी है। तो इंशाल्लाह ताला हम हर जगह मौजूद हैं। फैसलाबाद की बात की जाए आपसे, फैसलाबाद के जो जियाले हैं उनका क्या जोश और जज्बा है, क्योंकि जो है स्टेज तो अभी आपके कैंप्स तो लग चुके होंगे, और कैंप्स में क्या रुझान है, किस तरीके से जो है जियाला जो है वो अपना जज्बा जो है शो कर रहा है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैसलाबाद की तरफ मार्च आएगा नहीं, लेकिन फिर भी फैसलाबाद के जियालों में इतना जोश और खरोश देखा गया है कि वो सब अपने चेयरमैन साहब को ज्वाइन करने के लिए इंशाल्लाह रहीम यार खान से साहब चलेंगे उनके जी, और ऐसे ही ऑनवर्ड्स जो है वो आगे से आगे हम सब साथ होंगे चेयरमैन साहब जी, बिल्कुल चेयरमैन के साथ होंगे। बात की जाए इस्लामाबाद के मौसम की, तो इस्लामाबाद का मौसम सियासी एतबार से तो बहुत सुनने में आ रहा है कि गर्म हो चुका है, पंजाब की क्या पोजीशन है, क्योंकि हुकूमत जो है बुज़दार सरकार की, और बुज़दार सरकार परेशान नज़र आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखें जब जरदारी साहब लाहौर आके बैठते हैं, जब भी चाहे वो कुछ घंटों के लिए आए, तो ये परेशान हो जाते हैं। और अभी भी जब से जरदारी साहब लाहौर हैं, कि आपने देखा होगा कि कभी काफ लीग, कभी नून लीग, कभी जमात इस्लामी, रोज़ मुलाकातें जारी हैं, तो ये हुकूमत काफ़ी परेशान है, और आगे जो है इनको हम निपटें भी इनसे इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, शुक्रिया नगमान मलिक साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपको फिर आपको लेंगे दोबारा, आपसे राय भी ली जाएगी पंजाब के हवाले से, थैंक यू। बात की जाए लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च जो है वो उसकी फाइनल डेट्स हैं, और डेट्स जो हैं वो करीब आ चुकी हैं, 27 फरवरी में जो है चंद दिन बाकी हैं, 27 फरवरी की डेट दी जा चुकी है, और कहा जा रहा है कि ये हज़ारों सैकड़ों नहीं लाखों का जो है वो जम गफ़ीर होगा, जो मीर कारवां के साथ निकलेगा, और मीर कारवां के साथ जो है बीबी आसफा जो हैं वो साथ शामिल हैं, वो अपनी तमाम तर मसरूफियात को ख़त्म करके जो है कराची पहुँच चुकी हैं, और वो अपनी जो नौजवान हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगी इस्लामाबाद तक। और बात की जाए इस्लामाबाद के मौसम की, तो इस्लामाबाद का मौसम जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है सियासी एतबार से, वैसे तो ठंडा है मगर सियासी एतबार से गर्म है, क्योंकि अदम एतमाद की भी बात की जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया कि अदम एतमाद का जो ऐलान है वो इस्लामाबाद पहुँच कर किया जाएगा। और नंबर्स और फिगर्स की बात की जाए तो नंबर्स जो है वो पूरे हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो
पीडीएम की जमातों को और दीगर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी एक प्लेटफॉर्म पे गैदर करने में कामयाब हो चुकी है। अब सिर्फ जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाने की बात है। जो वकार सती साहब ने हमें पहले बताया कि नंबर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फाइनल हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है हुकूमती अरकान और अपोजिशन की जमातों में, तो देखा जाए तो लॉन्ग मार्च जो है जो उसके टारगेट्स थे वो निकलने से पहले ही अचीव कर लिए जा चुके हैं। आपसे जो है मुस्तकिल रबते में रहेंगे, आपको आगे भी बताते रहेंगे कि आगे क्या हो रहा है, पहले जो नुमाइंदगान थे उन्होंने क्या कहा और उनकी क्या तैयारी थी और किस स्टेजेस पे वो जो है अब दोबारा खड़े हैं। हमारे साथ रहिएगा, अपने होस्ट को अपने खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।